दोस्तों, गाड़ी में गियर लगाने का सही समय क्या होता है? मैं आपको एक एक गियर लगाकर जजमेंट बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं। आपको सबसे पहले ब्रेक और क्लच दबा लेना है, गाड़ी में फर्स्ट गियर लगा लेना है, हैंड ब्रेक आपको डाउन कर देना है। हैंड ब्रेक डाउन करने के बाद आपको सामने अच्छे से देखना है। उसके बाद धीरे धीरे आपको अपनी गाड़ी का क्लच छोड़ना है। हाफ क्लच पे आने के बाद ब्रेक आपको छोड़ते हुए रेस पर पैर रखना है। जैसे ही हाफ क्लच पे गाड़ी आएगा, गाड़ी आपका धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। उसके बाद आपको हल्का सा रेस देते हुए गाड़ी का पूरा क्लच छोड़ देना है। अब देखिए, गाड़ी आराम से आगे बढ़ने लगा, RPM काटा 2000 पे गया। वापस क्लच प्रेस करना है, गियर सेकंड लगा देना है आपको, और धीरे धीरे आपको क्लच को छोड़ते हुए रेस देना है। आपका गाड़ी सेकंड गियर में चलने लगेगा। जब आप गाड़ी में रेस देंगे, उसके बाद RPM काटा को आपको देखना है। जैसे ही 2000 पे टच हो जाएगा, उसके बाद आपको अपने गाड़ी का तुरंत क्लच दबाना है, रेस को छोड़ देना है। थर्ड गियर गाड़ी में आपको लगा देना है, जैसे मैं लगा दिया। अब देखिए, क्लच को धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ, हल्का सा रेस में देते हुए आपको भी ऐसे ही करना है। RPM कांटा जैसे ही 2000 को टच करेगा, देखिए आपकी गाड़ी का भी टच कर लिया होगा अगर आप गाड़ी चला रहे होंगे तो, क्लच को दबा लेना है, रेस को छोड़ देना है और आपको अपने गाड़ी में फोर्थ गियर लगा देना है, चौथा गियर। अब देखिए, गाड़ी एकदम आराम से चल रहा है। मैं अपनी गाड़ी का क्लच धीरे धीरे छोड़ दिया, रेस देने लगा। आप अपने गाड़ी का इसी प्रकार से गियर बदल सकते हैं। दोस्तों, मेरे पास अभी समय नहीं है कि मैं आपको पांचवा गियर लगा के दिखाऊं, क्योंकि मेरे सामने गाड़ी चल रहा है और गाड़ी का उतना स्पीड नहीं हो पा रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको गियर लगाना है। दोस्तों, गियर लगाने का सही जजमेंट है जैसे ही आपकी गाड़ी का RPM कांटा 2000 को टच करता है, आपको अपनी गाड़ी का क्लच दबाकर रेस छोड़कर गियर हाई कर देना है। डाउन करने का कोई सिस्टम नहीं होता है। डाउन करने के लिए जितनी गाड़ी की स्पीड है, क्लच दबाने के बाद, ब्रेक लगाने के बाद आप अपने गाड़ी को उसी गियर में डाल सकते हैं।